मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. देन लेट्स स्टार्ट सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर चैप्टर 11 संबंध सूचक. तो संबंध सूचक किसे कहते हैं वह हम पहले जानते हैं. तो स्थान के संबंध में हम उसकी स्थिति बताते हैं, इस कारण ऊपर के अंदर के पीछे या जो शब्द लगाते हैं उसे संबंध सूचक कहेंगे. ओके. तो मान लो घर में चूहा आ गया, लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. घर में चूहा आया तो उसे पकड़ना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें खराब कर देंगे वो लोग. तो वह आसानी से थोड़े ही पकड़ में आएगा, तेज़ी से जान बचाकर भागता है, कभी इधर कभी उधर. लोग बराबर उसके बारे में पूछते रहते हैं, कहाँ है कहाँ गया. देखने वाले लोग बार बार उसकी जानकारी देते हैं. क्या होता है फॉर एग्जांपल कि चूहा घर में आ गया तो हमें उसे पकड़ना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें वह ख़राब कर देगा. तो वह आसानी से तो हमारे हाथ में नहीं आएगा, बराबर ना. तो वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से यहाँ वो उछल उछल कर भागेगा. ओके. तो उसके बारे में बहुत सारे लोग पूछेंगे, घर के लोग कहाँ गया. जो देखता है वो उसकी जानकारी देंगे. तो यहाँ अलमारी है, आप पिक्चर देख सकते हो कि अलमारी के ऊपर चूहा है. तो वह रहा अलमारी के ऊपर, फिर वहाँ पकड़ने जाते हैं तो बाजू में टोकरी है, तो वो टोकरी के अंदर छिप गया. तो फिर अलमारी से उसे भगाते वो टोकरी में आता है, तो फिर दूसरी बार क्या बोलते हैं, वह देखो टोकरी के अंदर, फिर बाजू में चेयर है कुर्सी. तो टोकरी के पास जाते हैं तो उसके बाजू में जो चेयर है वहाँ पे वह छिप जाता है. तो वापस क्या बोलेंगे, वह गया कुर्सी के पीछे. ओके. एक बार अलमारी के ऊपर है, दूसरी बार टोकरी के अंदर है, और तीसरी बार अलमारी के कुर्सी के पीछे है. तो चूहा जहाँ जहाँ जाता है उस स्थान के संबंध हम उसकी स्थिति बताते हैं. चूहा जहाँ जहाँ गया वो कौन सी जगह पे गया वो हम उसके बारे में बताते हैं. तो इस कारण के ऊपर, अलमारी के ऊपर, टोकरी के अंदर और कुर्सी के पीछे, ये शब्द संबंध दर्शाते हैं. क्योंकि अलमारी के ऊपर था तो अलमारी के साथ उसका संबंध हुआ, टोकरी के अंदर गया तो टोकरी के साथ संबंध हुआ, और चेयर के पीछे छुप गया तो चेयर के साथ उसका संबंध हुआ. तो ये क्या कहलाएंगे, संबंध सूचक. ओके. तो यहाँ पे वस्तु कौन सी है, अलमारी, और उसकी स्थिति कौन सी है, चूहे की ऊपर. तो जोड़ने के लिए बीच में के का प्रयोग होता है. बीच में के का संबंध दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे, हम पूरा सेंटेंस उसका बनाएंगे कि चूहा अलमारी के ऊपर है, तो के का उच्चार हुआ तो ये संबंध दर्शाया. फिर स्थान बताने वाले कुछ शब्द संबंध सूचक शब्द है, जैसे कि के ऊपर लड़की पानी के ऊपर तैरती है, यहाँ पे के का उच्चार हुआ लेकिन ऊपर. तो फॉर एग्जांपल क्या है, ये लकड़ी पानी के ऊपर तैरती है. दूसरा नीचे, तो बिल्ली मेज के नीचे बैठी है, तो बिल्ली का संबंध किसके साथ है, मेज के साथ, लेकिन कहाँ पे है, नीचे. दूसरा के अंदर, समुद्र में पानी के अंदर भी पहाड़ है, तो पहाड़ और समुद्र का संबंध हुआ, समुद्र पानी के अंदर भी, समुद्र में पानी है उसके अंदर भी पहाड़ है. ओके. अभी के बाहर, वह कक्षा के बाहर खड़ा है, तो लड़के का संबंध कक्षा के साथ है लेकिन वह कहाँ खड़ा है, बाहर. के पीछे, स्कूल के पीछे मैदान है. के सामने, स्थान बताने वाले शब्द है यह, के सामने, स्कूल के सामने दुकान है. फिर हम से पहले से आगे का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो अस्पताल स्कूल से पहले आएगा. फिर पार्क स्कूल से आगे है. फिर पार्क स्कूल के पास है, दूर है तो क्या दर्शाना है, हाँ अस्पताल स्कूल से दूर है. तो हम जो ये काम करते हैं वे सब समय की दृष्टि से क्रम में है. अपने सवेरे के कार्यों के बारे में हम विचार करें तो पहले क्या करते हैं, बेड पे से उठते हैं, फिर ब्रश करना,
फिर दूध पीना, नहाना, फिर प्रार्थना करना, फिर नाश्ता करने बैठते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। तो प्रार्थना कब होती है? तो प्रार्थना नहाने के बाद, उसके बाद नाश्ता, बराबर। तो अभी हम नेक्स्ट पेज, संबंध सूचक के प्रकार है स्थानवाचक और समयवाचक। तो स्थानवाचक में क्या आएगा? तो स्थानवाचक के भी पार्ट है, उसमें कौन से शब्द आएंगे? तो के पास, से आगे, के सामने, के चारों ओर आदि, ओके। और समय जो दर्शाता है, पहले, दौरान, बाद, आसपास, ये हमें समय दर्शाता है। तो ये था हमारा संबंध सूचक, बराबर। तो संबंध सूचक में क्या आएगा? जिसके साथ जो होता है। यहाँ पे हमने चूहा और अलमारी वाला लिया, फिर टोकरी वाला लिया और कुर्सी वाला लिया, तो इनके संबंध दर्शाते हैं। तो आपको आपकी ग्रामर की नोटबुक में संबंध सूचक के प्रकार, स्थानवाचक और समयवाचक लिखना है, ये आपका होमवर्क है। और दूसरा, स्थान बताने वाले कुछ संबंध सूचक शब्द है, वह आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, ओके। थैंक यू।